पीछे पेड़ है, इन सब में फ्लावरिंग हो गई है, ओले पड़ने लग गए हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। तो आज मैं उठी हूँ 8 बजे, ये तो 5 बजे ना, 3 और जोड़ दो इसमें। आज मैं उठी हूँ 8 बजे। मैंने आपको पिछले व्लॉग में बताया था कि अब मैं अपनी रूटीन पर काम करूँगी। तो पिछले व्लॉग में मैं उठी थी कब, 9:15 बजे। तो आज मैं 1 घंटा पहले उठ गई हूँ। वो कहते हैं ना, छोटी छोटी सक्सेस को सेलिब्रेट करना चाहिए, तो एक मेरे लिए छोटी सी सक्सेस है कि मैं आज 8 बजे उठी हूँ। तो क्या पता मैं किसी दिन 7 बजे उठ जाऊँ, फिर 6 बजे उठ जाऊँ, 5 बजे। 5 बजे तो बहुत ज़्यादा हो गया ना, पर फिर भी चलो। तो खेतों में ना आजकल फ्लावरिंग शुरू हो गई है, तो आज हम जाएंगे फ्लावरिंग देखने। तो चलिए शुरू करते हैं आज का व्लॉग, लेट्स गो। अभी मैं ब्रेकफास्ट करने वाली हूँ, और आज ब्रेकफास्ट में है मूली के पराठे और दूध। दूध जो है घर में मैंडेटरी होता है, से मुझे तो दूध पसंद है। और मैं तो अब मिलते हैं ब्रेकफास्ट के बाद। तो मेरा ब्रेकफास्ट कंप्लीट हो गया है, और आज मौसम हो गया है बिल्कुल ही ख़राब, ऐसा मौसम हो गया है। अब देखती हूँ मैं खेत जाती हूँ कि नहीं जाती हूँ। जाऊँगी तो जाऊँगी मैं, लेकिन अगर बारिश होती है तो कैसे जाऊँगी। सोनी बिजी है अपनी फेवरेट जोड़ी खाने में, ये एक एक पत्ता उठाती है इससे, बाकी इसने सारे लकड़ियाँ रख दी है और सारे पत्ते खा लिए हैं। इतनी मोटी मोटी बारिश शुरू हो गई है, बारिश के बाद अब ओले पड़ने लग गए हैं। कैसे जाएं फिर, कैसे जाएंगे हम, नहीं जा पाएंगे ऐसे में। तो बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है और ओले गिर रहे हैं अभी, तो ओले गिर रहे हैं अभी भी, अभी भी, अभी भी। पिछले घर पूरा दिन बारिश होने के बाद आज मौसम साफ हो गया है, यहाँ पे स्नोफॉल हो गया है, इसके पीछे भी स्नोफॉल हो गया है। तो ये मम्मी मेरे लिए गोबर भर रहे हैं, खेत तो मैं जा ही रही हूँ तो खाली तो क्या जाना, तो इसलिए गोबर भर रहे हैं। तो पिछले कल मैं खेत जा नहीं पाई क्योंकि पूरे दिन भर बारिश हो रही थी। आज भी मौसम खराब हो रहा है अब धीरे धीरे, लेकिन तो मैं उससे पहले चले जाती हूँ, इससे पहले कि बारिश आज भी शुरू हो जाए तो मेरी वीडियो रह जाएगी। ये मम्मी ने गोबर भर दिया है मेरे लिए, अब चलते हैं खेत में, खेत में मिलते हैं। तो अब मैं जा रही हूँ खेत। लवली चल बड़े यार मेरे साथ। ये लवली का चिगू है, ये इसकी गाय है जो कि पहले मेरी गाय थी। बाय। हमारे गांव की बावड़ी है, जो मैंने अपने फर्स्ट व्लॉग में भी दिखाऊं का टूर था उस वाले व्लॉग में, इसको मैं कभी दोबारा दिखाऊंगी आपको अंदर से। होगी गांव में फ्लावरिंग स्टार्ट, जैसे कि यहाँ देख सकते हो आप, इस वाले खेत में सभी पेड़ों में हो गई है। अभी हम पहुंच गए खेत में, और अभी मैंने गोबर भी डाल दिया है पीछे, थोड़ी देर बैठेंगे उसके बाद टूर शुरू करते हैं खेत का, जहाँ पे फ्लावरिंग हो गई है। वैसे तो यहाँ भी दिख रही होगी आपको, पेड़ों में यहाँ पे भी फ्लावरिंग शुरू हो गई है। और बताती हूँ मैं कि फ्लावरिंग के बाद इसमें क्या क्या प्रोसीजर स्टार्ट होता है। करते हैं खेत का टूर शुरू, जहाँ पे फ्लावरिंग हो गई है। तो वैसे तो आप देख रहे होंगे जो मेरे पीछे पेड़ है, इन सब में फ्लावरिंग हो गई है और बहुत अच्छे हो गई है, मतलब इस साइड तो पूरे में हो गई है। ये देखो, इन सभी पेड़ों में फ्लावरिंग हो गई है। आप जितने भी पेड़ देख रहे हो ना फ्लावरिंग वाले, ये सारे बादाम के पेड़ है, अभी बादाम के पेड़ों में हो रही है फ्लावरिंग, और बाकी पेड़ों में अभी स्टार्ट नहीं हुई है, कुछ कुछ में हो गए थोड़े बहुत में। तो ये सारे बादाम के पेड़ है। पिछले कल की बारिश से देखो खेत में थोड़ा सा लैंडस्लाइड भी हो गया है यहाँ पे। एक प्लम का पेड़, और अभी इसमें देखो इसके फूल अभी खिले भी नहीं है, अभी फूल तैयारी में इसकी भी, लेकिन अभी इसमें फ्लावरिंग स्टार्ट नहीं हुई है। पर इससे ना एक अच्छी बात ये भी, इसमें खुशबू बहुत अच्छी होती है,
इसमें नेचुरल खुशबू होती है और बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इससे, तो इसकी फ्रेगरेंस से जो अभी हनी बीज वगैरह अट्रैक्ट होंगे आएंगी इसके पास, और बाकी बटरफ्लाई और हनी बीज वगैरह आती हैं उसके बाद क्या इसमें पॉलिनेशन कर देंगी वो, और उसके बाद जो है जो फ्रूट होता है बादाम का वो बनने तैयार हो जाएगा। पिछले कल की बारिश से जो है यहाँ पर बहुत सारे फूल गिर भी गए हैं। जब यहाँ पे फ्रूट तैयार हो जाएंगे तो मई के मंथ तक यहाँ पे बादाम तैयार हो जाते हैं, और उसके बाद जो लोग इनको हरे भी भेज देते हैं और कुछ एक लोग ड्राई भी कर लेते हैं, ड्राई करने के बाद भी बादाम बेचे जा सकते हैं। बाकी अब डिपेंड करता है कि कितनी अच्छी पॉलिनेशन होगी इसमें, जितनी अच्छी पॉलिनेशन होगी उतने अच्छे फ्रूट लगेंगे। तो ठंड में जो है फ्लावरिंग उतनी अच्छे से नहीं होती है, लेकिन आजकल टेम्परेचर अच्छा था यहाँ पर, तो इस वजह से जो है ना फ्लावरिंग अच्छी खुल गई है यहाँ पर। गाँव जो इतनी हाइट में नहीं है ये, तो यहाँ पर क्या है ना सारी फसलें जल्दी पक जाती है, जैसे कि बादाम भी जल्दी पक जाएंगे, और उसके बाद यहाँ पर अभी कुछ टाइम के बाद सेबों में भी फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाएगी, और सेब के पेड़ों में भी जब फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाएगी तो सेब भी यहाँ पर जल्दी पक जाते हैं और हम उनको जल्दी भेज देते हैं, यहाँ के जो लोग हैं जल्दी भेज देते हैं। और इसकी सबसे अच्छी बात मुझे ये लगती है कि आजकल जो है ना ये मौसम बहुत अच्छा हो रखा है, तो जितने भी इधर उधर देखोगे हर जगह फ्लावरिंग होती है, तो बहुत अच्छा अच्छा सा लगता है। जैसे किस वाले पेड़ में पूरी तरह से फ्लावरिंग हुई आपको दिखाती हूँ, इस वाले पेड़ में पूरे पेड़ में फ्लावरिंग अच्छी हुई है, और फिर हर जगह पे वाइट वाइट देखने को मिलता है और ये अलग सा ही दिखता है। फिलहाल के लिए अभी मैं जाऊंगी अपने कजन के घर, यहाँ पे साथ में मेरे भैया का घर जिनकी शादी अभी लास्ट टाइम हुई थी, उनकी भाभी ने बुलाया मुझे। फ्लावरिंग होने के बाद कुछ ऐसा दिखता है, हर जगह सफेद ही दिखती है और मौसम फिर से आज खराब हो गया है। अभी मैं आ गई अपने भैया के घर, और ये हमारी नई नवेली भाभी है जिनकी शादी रिसेंटली हुई थी, अक्टूबर में हुई थी इनकी शादी। हमारे पड़ोसी होते थे रामपुर में, पहले मैं इनको दीदी बोलती थी और अब जाके अब ये मेरे भाभी हो गए हैं। पर मेरी आदत है अभी भी कि मैं बहुत बार इनको दीदी बोल देती हूँ, मेरे भाभी हो गए, मुझे अपनी जुबान पर थोड़ा लगाम लगाना पड़ेगा। लगा हमारे गाँव में आगे दोस्त से बोलना थोड़ी ना आई हूँ। हाँ, ये शादी से पहले भी आ गए थे गांव में, तो हमारे घर आए थे उस टाइम, तब इनको क्या पता था इनकी किस्मत यहाँ आएगी घूम फिर के बगल में ही पहुंच जाएगी। हाँ, उन्हें बहुत टाइम स्पेंड किया साथ में रामपुर में, 4 साल। हाँ, 4 साल हम साथ ही होते थे, साथ ही रहते थे, साथ ही जाते थे, तो अब ये देखो दीदी बनी भाभी। तो अब अभी भी साथ में ही है, पर अभी हम शिफ्ट नहीं हुए यहाँ पे, जब हम शिफ्ट हो जाएंगे इधर तो भी हम साथ में ही हो जाएंगे, पड़ोसी। हाँ, तो ये मेरे कैमरा मैन होते, चाय यहाँ नहीं बनती है, चाय किचन में बनती है। मैं भी नीचे जाती हूँ, चलो हम जा रहे चाय पीने, भाभी मेरे लिए चाय बनाएंगे। मेरी चाय आ गई, चाय 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 पोल्डू स्लैश पगैन पगैन खातिरदारी कर रहे भाभी। बाय, अब मैं जा रही हूँ यहाँ से, जल्दी है ना अंकल आएंगे। रोना मत बाकी तो ठीक है, आज तो मैं जा रही हूँ, रोएंगे अभी है मेरी याद, मेरे को पता है थोड़ी देर के बाद। बाय। जीरा, ये भाभी ने जीरा उगाया इधर, तो ये अब मैं खेत से जा रही हूँ वापस, तो ये मैं लास्ट टाइम आपको फ्लावरिंग दिखा देती हूँ। मैं जा रही हूँ घर, तो मुझे यहाँ पे अभी कुंडी वगैरह, अपना घर जहाँ हम रहते नहीं अभी, पर तो अब मैं घर जा रही हूँ और शाम के बजने वाले हैं 4:30। अरे है यहाँ पे अबनी, ये अबनी है, ये बहुत शरारती होगी अब लड़की, स्कूल जाने भी लगी इस साल, है ना अबनू? हाँ। अरे है लवली भी आ गई है यहाँ पे खेत में, लगी अपने काम पे। ये हम हैं, ये हमारी सब्जी है। ये कौन सी सब्जी है? ये तो लहसुन है। प्याज है। ये प्याज है यार, तेरी प्याज क्यों इतनी बड़ी बड़ी है? मेरे यहाँ तो प्याज अभी छोटी छोटी है। तूने मस्त गोबर डाला इसमें। ये हमारे गांव की सबसे मेहनती लड़की है, सबसे मेहनती लड़की है। इसने पता कितना कुछ उगाया है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो इसने यहाँ पे कितना कुछ उगाया है, लहसुन है और वो भी लहसुन है, जो वो कर रही है वो प्याज है, ये गोभी है, ये गोभी है, ये इसने गोभी भी लगाई है, ये जीरा है, ये भी लहसुन ही है, और यहाँ पे धनिया है, ये देखो यहाँ पे कितना अच्छा हरा धनिया है, और ये है केमटू का पेड़, ये है नींबू का पेड़ ना। टाइसन से कहाँ से आई तू? यहाँ पे ना यार एक कुत्ता है वहाँ पे, उससे पीछे वाले घर में, तो ज्ञान हम लोगों को वहाँ से डर लगता है, इसीलिए लवली और मैंने आज लॉन्ग रूट लिया, उस चक्कर में लवली भी लॉन्ग रूट से ही आई। नो, घास खा रही है, क्या है ये? ये क्या है? ये कच्चा ही खा रही यार पालक। धनिया। आगे स्कूल के बच्चे वापस, इनके स्कूल खुल गए हैं, स्कूल। खरगोश है, आप खरगोश क्या खा रही है? मुगरा।
यार ये पता नहीं कैसे खा रही हूँ, मैं भी ट्राई करती हूँ। तू भी ज्यादा है, नहीं कैसे खा रही इसको, इसमें बिल्कुल ही स्वाद नहीं है। क्या है अंदर पेट में? हरी सब्जी। एनर्जी भी इसको तभी आती है, इतना भागती है ये। वापस चलो लवली। ये आया है गांव वालों का सामान सबका डिपो से, और सब अपने अपने ले जा रहे हैं, एक ही गाड़ी में लेके आते हैं। गया है सबका सामान खाली से, और अब सारे अपना अपना सामान लगा रहे हैं। बर्फ यहाँ पे चमक रही है। अभी मौसम बिल्कुल खराब हो गया और बारिश होने वाली है। तो अभी मैं घर आ गई हूँ और दादी यहाँ चेयर पे बैठे हैं। तो ये थी आज की वीडियो, आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, दिस इज मधु वर्मा साइनिंग ऑफ। बाय बाय, टेक केयर, अन्योंग, बाय करो, बाय बोलो, बाय बोलो, बाय अन्योंग। तो हंस लो हंस लो। तो अभी मैं आ गई हूँ आपको तैयार हो जाते हैं, और क्या बोले हम। तो ये थी मेरी फ्लावरिंग के ऊपर वीडियो। ये तो आपको बताना पड़ेगा, ये तो आपको बताना ही पड़ेगा, डालूंगी मैं बोनस क्लिप में। ये थोड़ा कैमरा फ्रेंडली नहीं है ना अभी। अभी रुको, मेरा धट्टू ही नहीं है ठीक। बोलो जल्दी जल्दी।